हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं बहुत दिन के बाद आज नहाया है, मतलब दो तीन दिन हो गया है नहीं नहा पाया है ना, बीमार के चलते। तो आज के दिन मेरा पति ने पानी गर्म करा दिया है, तो आज के दिन नहा कर मैं फ्रेश हो गया है। और इतना दिन के बाद नहाया है, थोड़ा शरीर अच्छा हुआ है, तो बहुत फ्रेश लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग करने के लिए शुरू हो जाएंगे, ब्लॉग बनाने के लिए। तो आप मेरे साथ जुड़ी रहे मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा पति काम से आ गया है और चिकन हुए है, इसका तरीका अलग से बनाया है। आज सब मैरिनेट करके ऐसा बैठा दिया है और आज का कुक इसको क्या बनाए, क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। और बंदा बोल करेगा, हो गया है आज का शाम का खाना। फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद, एक्चुअली एक सप्ताह के बाद मैंने मुर्गियाँ सारी मुर्गियों को खोलकर, मैंने नहीं, मेरे पति ने सब मुर्गियों को खोलकर बाहर में रख दिया है थोड़ा गर्म सेकने के लिए। तो इतना अच्छा से उछल रहा है, वो लोग खेल रहा है। क्या कर रहा है, उसका पापा आज रेस में है, तो उसका बेटी उसको कंघी करा रहा है, बोल रहा है डैंड्रफ है। दिन का दोपहर है और मेरा पति मेरे लिए मिक्को बना कर लेकर आया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर मेरे पति ने वेजिटेबल सूप बना कर दिया है, तो ये पीकर थोड़ा आराम करेंगे ना। फ्रेंड्स, ये समय शाम हो गया है, तो मेरा पति बोल रहा है थोड़ा हम लोग मार्केट जाएंगे, सब्जी लेकर आएंगे ना। तो हम लोग रेडी हो गए हैं शाम में जाकर सब्जी मार्केटिंग से सब्जी कलेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गया है मेरे पति और मैं बाजार जाकर, और जो जो भी लेना है कुछ आसान भी है, कितना खास नहीं है ना समय आज का दिन। तो जैसा कि पत्ता हो या किताबी हो, वो सब बोल करने के लिए मन था तो नहीं मिला है, तो जो जो भी लेना है सब लेकर आ गया है। शरीर ठीक नहीं था इसलिए चलते जाकर जो जो लेना है लेकर आ गया है। और हम लोग वहाँ में भी कुछ भी वीडियो नहीं किया है, अच्छा नहीं लग रहा शरीर, तो इसलिए नहीं कर पाया ना। तो क्या क्या लेकर आए हैं मैं दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे यही खाने के लिए मन था वहाँ में जाकर, तो यहाँ में आलू चौक और पकौड़ा और चटनी के साथ खाएंगे वो खाना। तो कुछ तरह अच्छा नहीं लग रहा है, तो चटपटा खाने के मन था, तो ये सब लेकर आया है। फिर क्या लेकर आया है मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ऑरेंज लाई है और यहाँ में बेर लाई है ना, बेर लाई है, कुत्ती का बेर लाई है, और यहाँ में ड्राई फिश ना, चटनी खाने के लिए ड्राई फिश 100 का है ना, 100 के इतना कमती मिलते हैं यहाँ में। हम लोगों की तरफ में तो आधा किलो मिल जाएंगे, यहाँ में इतना ही मिला है 100 रुपया का। और आलू लाया है, और यहाँ में क्या है, हाँ यहाँ में कोकोनट लाया है। बहुत दिन से मेरा बेटा जो है कोकोनट खाएंगे बोल रहा है, तो कोकोनट लाया है। और यहाँ में फिश थोड़ा लाया है ना, रो मास का फिश ना, रो मास लेकर आया है। तो मार्केट से हम लोग इतना लेकर आया है आज शाम का मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ने ऑरेंज छील दिया है और बेल को जो है धुला दिया है, हम लोग यही खाने वाला है सब। फ्रेंड्स,
यहाँ पर मैंने मछली बॉईल किया है, फिश बॉईल किया है ना। यहाँ ने थोड़ा एक आलू दिया है और उसको मिक्सिंग कर दिया है, टमाटर दिया है, लहसुन अदरक कूटकर डाला है और जो है टमाटर डाला है ना। तो ऐसा करके पकाया। अभी जो दिया है वो थोड़ा मक्खा मक्खा होने के लिए। इसके बाद यहाँ में फिर फिश फ्राई ना, मेरा बच्चा लोग तो फिश फ्राई ही पसंद है ना, कर इसलिए ऐसा बना दिया है। तो आपका सब्जी ऐसा ही होगा। फ्रेंड्स, ये समय हम लोग सब खा पी लिया है और मेरे पति बोल रहा है इस कोकोनट को तोड़ देगा, उसका पानी जो है पीने की मन है ना। तो अभी ये सोने से पहले थोड़ा ये उसका पानी पीकर हम लोग सो जाएंगे ना उसके बाद। पानी गिरी जब वो ग्लास, एक्चुअली एक जगते तखाना छेद थके ते प्राय छेद कर खुशी तु बंगाई नपर कहा ये केरला से आया है अन्ना जी। हिरन का जैसे आँख हो गया है जो सेब का, तो क्रिस्टीना का भी इतना बड़ा नारियल में इतना ही पानी है। तो फ्रेंड्स, ये पानी में पीऊंगी नारियल का पानी। वो लोग नारियल खा रहा है तो मैं पानी पीऊंगी ना। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और मिलेंगे नया ब्लॉग्स के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कंटिन्यू ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर नया ब्लॉग के साथ में फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। शरीर भी लगातार अभी थोड़ा अच्छा रिकवर हो रहा है ना, तो अभी ब्लॉग बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।